हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी 2.0 पर। आपसे हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी दिनों से आ नहीं रही थी किसी प्रॉब्लम के कारण। तो अब आपको वीडियो हमारी मतलब रेगुलर यानी 2-3 दिन छोड़ के वीडियो डेली मिल रही है हमारे अपने चैनल पे स्टडी 2.0 पे। तो आज का टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स का डेसिमल। डेसिमल आपको आज पढ़ाएंगे हम। डेसिमल में हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जो हमें देखे जाते हैं हर बार, हर साल। मतलब इनका वेटेज रहता है 2 से 3 क्वेश्चनों का एसएससी के अधिकतर पेपरों में। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33.33 3+ 3.033 -2.003। तो हमने इसको बोर्ड मास अप्लाई रूल होएगा इसमें, जो हमने बोर्ड मास का रूल आपको बताया पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो पहले हमारा ये बोर्ड मास कहता है हमारा, पहले ब्रैकेट फिर ओपन फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिंग, मतलब पहले एडिंग फिर सब्ट्रैक्ट। पहले एडिंग होगी हमारी, पहले एडिंग करेंगे हम दोनों इन दोनों की। 33.33 पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आएगा, 0 3 3 6 6 3.63। तो इसी के नीचे हमारे माइनस हो जाएगा, यह हमारा 2.003 ये हो जाएगा। तो 6 में से 3 गए 3, 6 3.4, यह आ जाएगा हमारा 34 पॉइंट। इसका जो हमारा आंसर होगा 34.363, इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है हमारा सेकंड नंबर, 358.085 + 42.91 + 25.55। तो इसमें हमारा कोई भी माइनस का नहीं है, तो इसे हम एज इट इज़ ऐड कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं 358085, फिर आता है हमारा 42.91, फिर आता है हमारा 25.55 ऐड। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे लिखेंगे उसकी संख्या। तो ऐसे हमारा 5 फिर 8 1 9 5 14 का एक हासिल, 9 और 1 10 5 15 का एक हासिल, बीच में पॉइंट, 8 और 9 9 2 11 और 5 16 का एक हासिल, 5 4 9 1 10 2 12 फिर एक हासिल 4। तो इसका राइट आंसर आ गया हमारा दोस्तों 426.545, इसका राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड कह रहा है हमारा 6598 - 2506 / 20। तो यह हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी ब्रैकेट मतलब बोर्ड मास का रूप अप्लाई होगा। तो पहले हमारा डिवाइड होगी ये 2506 संख्या 20 से, फिर इसमें से हमें ये माइनस करना है 2598। तो माइनस करेंगे तो इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे पहले हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 20 से काटते हैं, 20 8 240 बचा 10, 20 5 100 बचा 6 0, 20 3 60 ये आ गया हमारा। अब इसमें से हम 6598 में से घटा देंगे क्या 85.3, हाँ कुछ नहीं है तो 0। 10 में से 3 गए हमारा 7, 7 में से 5 गए बचा 2, 9 में से 1 गया 8 गया 1 5 6। तो हमारा इसका राइट आंसर आ गया हमारा 6512.17, इसका राइट आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 65.4 को डिवाइड करना है 13.08 से और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 20 से। तो इसी तरह हम पहले ब्रैकेट ओपन डिवाइड आता है, फिर डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। तो पहले हम करेंगे इसको डिवाइड, 65.4 को करेंगे हम डिवाइड किस से, इसको हमें डिवाइड करना है 65 को करना है हमें 13.08 से डिवाइड करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है 20 से, ये लिख दिया हमने। तो ठीक है,
इसके नीचे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करनी है तो मतलब इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं दो से, चार से देखते हैं हम, चार से कटाएंगे, चार पंजे बीस, चार तिया बारह के एक हासिल, चार दूनी आठ और दो चार सत्ते अट्ठाईस, ये हमारा कट गया। तो हमारा आ गया 327 दूनी, 327 दूनी हमारा होता है 500 ओ 654। तो ये आ गया हमारा 220। तो इसका राइट आंसर आ गया हमारा दोस्तों 20। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है हमारा 20, यानी कि 20। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 0.06 इंटू पॉइंट ओ 2.5 इंटू इसकी मल्टीप्लाई। तो करेंगे इसको हम इस तरह करेंगे, हम इसको 6 को मल्टीप्लाई करना हमें 2.5 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो हमारा पॉइंट कुछ नहीं है तो हम जीरो बढ़ा लेंगे, इसी तरह एक जीरो यहाँ आ जाएगी हमारी पॉइंट हटा के। तो 25 चौका 100, 4 छिक 24, 2 तिया 6 हैं, 2 तो आगे हमारा 2 तिया 6 हैं, अभी हमारा बचा 6 तिया 18 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा 3.3 बचा 0 3.6, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।